नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बीती रात 1:30 बजे नागदा पुलिस और कंजर गिरोह का आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग, जिसमें एक कंजर के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, तो वहीं नागदा थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा बाल बाल बचे। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि क्षेत्र में कंजरों का मूवमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान आज रात गांव टूटिया खेड़ी में पुलिस का सामना तीन कंजरों से हुआ, जो कि एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। कंजरों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक गोली नागदा थाना प्रभारी के कान के पास से निकली। जवाब में पुलिस की ओर से 8 राउंड फायर किए गए, जिसमें एक कंजर घायल हो गया। घायल कंजर का नाम मिट्टू है, जो कि इलाका खेड़ी गांव का निवासी है। इसके अन्य दो साथी राकेश और उदय सिंह फरार हो गए। घटना की जानकारी जब उज्जैन एसपी सत्येंद्र सिंह शुक्ल को लगी, तो वो अपनी पूरी टीम के साथ नागदा पहुंचे और घटना स्थल पर जाकर घटना के बारे में जानकारी ली। घायल का उपचार नागदा सिविल अस्पताल में चल रहा है। घटना के दौरान प्रधान आरक्षक सोम सिंह भदौरिया भी घायल हुए हैं। आमने सामने मुठभेड़ हुई है सर, क्या है? हमारी जो सरहदी स्टेट है राजस्थान, वहाँ के कुछ किलर्स के बारे में लगातार ये सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी कि ये लोग आते इधर कुछ वारदातें कर रहे हैं। कल भी इसी तरह की एक सूचना थाना प्रभारी राजा के पास आई थी, उस पर उन्होंने पार्टी जब किया तो इंटरसेप्ट करने के दौरान फायर हुआ। जवाबी फायर दौरान ये छत्तीस था सीधे उस पर हुआ है, तो तीन लोग आए थे, जिसमें एक उसको गोली लगी है, पैर में गोली लगी है, इसके दो साथी आगे सफल हुए हैं, उनकी भी तलाश कर रहे हैं और हम राजस्थान पुलिस से भी सहयोग लेकर उन दोनों आरोपियों को सरकार करेंगे। दोनों आरोपियों पर देखिए, कुछ दिनों से नागदा और नागदा सब डिवीज़न में और प्रॉपर नागदा में कुछ कंजरों का मूवमेंट की जानकारी हमको लगी थी। उसी जानकारी के आधार पर टीआई साहब और हम लोगों ने प्लान बनाया था। दो तीन दिन से हम लोग लगातार रैकी कर रहे थे और चेकिंग भी लगा रहे थे, जगह जगह जा कर के अलग अलग स्थानों पर जाके पेट्रोलिंग भी कर रहे थे कि कंजरों पकड़ने हैं कंजरों को। उसी के दरमियान आज टीआई साहब अपने दल बल के साथ में रवाना हुए थे कि कंजरों का मूवमेंट कहीं दिखता है और कुछ जानकारी लगती है। कुछ और भी आधार थे जिनको फॉलो कर रहे थे टीआई साहब, तो उसके आधार पर गश्त करते करते पेट्रोलिंग करते करते टूटिया खेड़ी पर पहुँचे। टूटिया खेड़ी में फिर सामने से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, तो इन्होंने जब उतरे सामने आए तो सामने देखा उन्होंने पुलिस है, तो वो मोड़ने लगे और मोड़ने से पहले ही उन्होंने फायर कर दिया। जैसे टीआई साहब ने देखा कि उन्होंने फायर किया, तो इन लोगों ने दाएं बाएं पोजिशन